वेलकम बैक टू एंग्री कोडर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये जो टॉप बार है हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रोसेसिंग और मेमोरी की जो यूज़ है उसको कैसे लेके आ सकते हैं। इसके लिए हमें पहले उबंटू सॉफ्टवेयर में जाना होगा। या उबंटू सॉफ्टवेयर में अगर एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करना चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम फायरफॉक्स से ही हम ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेते हैं। गनो में एक्सटेंशन लिखते हैं, और पहले लिंक पे ही चले जाते हैं। यह हमें चाहिए GNOME शेल एक्सटेंशन, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वाई करते हैं, ठीक है, ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। हम यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन मेरा अभी मैंने कभी अभी मतलब कि ये उबंटू मैंने नहीं इंस्टॉल की थी तो उसकी वजह से मैंने एप्लीकेशन ओपन नहीं की थी। ये अपना डाउनलोडिंग शुरू हो गया तो इसको अपना करने दो, हमने ऐसे ही कर लिया। ये एक्सटेंशन है, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं ये वाली एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ से। इसको ओपन करते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक्सटेंशन जो क्रोम की है वो डाउनलोड करनी है। तो हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं, क्रोम ओपन करते हैं। ये फायरफॉक्स में एक्सटेंशन कभी नहीं चलती इसलिए हम गूगल को ओपन कर रहे हैं। यहाँ से हम एक्सटेंशन को एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, इसके लिए ऐड कर लेंगे। GNOME शेल एक्सटेंशन लिखते हैं, GNOME शेल एक्सटेंशन, क्रोम भी आगे लिख देते हैं ताकि हमें क्रोम का ही बताएंगे। और इस एक्सटेंशन को हम ऐड करते हैं, ऐड एक्सटेंशन करते हैं, इसको टर्न ऑन कर लें, टर्न ऑन सिंक। ये ठीक है, गूगल की आईडी मांग रहा, हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं करना इसको कुछ भी। यहाँ से GNOME शेल एक्सटेंशन में जाएं, और हमें क्या करना है, वाइटल डाउनलोड करना है, वाइटल ऐड करना है। वाइटल को हम ऑन करते हैं, ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ऑन करते हैं जो उसमें ऐड हो जाएगा और ये इंस्टॉलेशन हो रही है हमारी। इसमें अभी वाइटल आ गया है, ठीक है, वाइटल हमारा आ गया। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं हमें शो होना शुरू हो गया। अब हम इसकी अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग कैसे करनी है, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टेम्परेचर शो हो, ठीक है, टेम्परेचर एवरेज शो, एवरेज शो उसकी, ठीक है। बाकी मुझे क्या शो हो, वोल्टेज मुझे नहीं चाहिए, मेमोरी मुझे शो हो लेकिन उसकी मुझे एवरेज शो हो, यूजेज ठीक है, यूजेज हमें शो हो इसकी, ये हमें शो हो रही है, ठीक है। प्रोसेसर हमें शो हो, उसका भी हमें एवरेज शो हो, और हमें सिस्टम हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से टिक था उसके ऊपर क्लिक करेंगे, टिक ख़त्म हो जाएगा। और हमें नेटवर्क की स्पीड चाहिए, नेटवर्क की स्पीड हमने कौन सी करनी है, एक हमारी डाउनलोडिंग और एक हमने अपलोडिंग करनी है। यह हमारी आ रही है जो इस टाइम हमारी नेट की स्पीड आ रही है, जो इस टाइम डाउनलोड हो रहा है, और जो टोटल हो चुका है वो भी देख लेते हैं। मतलब 7.6 GB डाउनलोड हो चुका है और ये अपलोड आ रहा है कि इतना अपलोड हो चुका है, 2.1। हम जो से भी आप चाहते हैं हम कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं स्पीड को रखना चाहता हूँ, यहाँ से मेरी स्पीड पहले से सेट हुई हुई है कि ये स्पीड आ रही है, ठीक है, ये 2 MB जो आ रही है ये स्पीड आ रही है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये आखिर में आए तो ये आखिर में आ गई है।
ये आज की वीडियो थी, यहाँ पर इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे।